निवेशकों को दफ्तर की लालच फितरशाही से बचाने के लिए लागू किया गया ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का ग्रहण लग गया है। इसके चलते देखिए इमारतों के नक्शे मंजूर कराने के लिए निकाय कार्यालयों के चक्कर काटना बड़ी मजबूरी बन गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार में 1 मई 2017 को सभी निकायों को ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू करने के आदेश दिए थे। बाद में सूचना व तकनीक विभाग ने भवन मानचित्र ऑनलाइन मंजूर करने के लिए जेडीए सहित सभी निकायों को एक ही सॉफ्टवेयर तैयार कराया था। मौजूदा सरकार में भी 1 मई 2019 से भवन मानचित्र ऑनलाइन मंजूर करने के आदेश जारी किए थे। इस सिस्टम का उद्देश्य था कि निवेशक, प्रमोटर्स व बिल्डर्स को भवनों के नक्शे अनुमोदित कराने के लिए निकाय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। ये सॉफ्टवेयर मॉडर्न बिल्डिंग बायलॉज 2020 के अनुसार तैयार कराया गया था। पिछले 2 सालों में बिल्डिंग बायलॉज में कई बार बदलाव किए गए, कभी छोटे तो कभी व्यापक बदलाव करते हुए नए प्रावधान जोड़े गए। यही कारण है कि जिसके चलते ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम ठप हो चुका है। आपको बताते हैं कि पिछले 2 सालों में बिल्डिंग बायलॉज में कब और क्या बदलाव किए गए। 10 अगस्त को बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया गया। सेटबैक, पार्किंग, ऊंचाई सहित कई मापदंडों में व्यापक बदलाव किए गए। 21 जुलाई को स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई को लेकर बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव किया गया। 17 जून को कमर्शियल स्कीम का नया कॉन्सेप्ट लागू किया गया। 27 दिसंबर 2022 को कवरेज एरिया की श्रेणी से कई निर्माणों को बाहर किया। 3 दिसंबर 2022 को बिल्डिंग बायलॉज में अतिरिक्त निर्माण करने पर अतिरिक्त पार्किंग और सुविधा क्षेत्र देने का प्रावधान भी जोड़ा गया। 29 नवंबर 2022 को भवनों की ऊंचाई को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। 19 अक्टूबर 2022 को भूखंडों के पुनर्गठन पर सेटबैक निर्धारण को लेकर बायलॉज में बदलाव। 31 मार्च 2022 को पुरानी आबादी के इलाकों में बिल्डिंग लाइन के नए निर्माण की स्वीकृति दी। 90.5 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर अग्र सेटबैक का प्रावधान खत्म कर दिया गया। 11 जनवरी 2022 रूफटॉप सोलर पैनल लगाना बड़ी इमारतों में अनिवार्य कर दिया गया। 24 दिसंबर 2021 में गैर योजना क्षेत्र में पार्किंग शुल्क तय करने का बदलाव किया गया। 1 सितंबर 2021 को होटल हाउसिंग का नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। पिछले 2 सालों में बिल्डिंग बायलॉज में बार बार कई बदलाव किए गए। इसके चलते ही घर बैठे भवन मानचित्र अनुमोदित कराने की लागू की गई ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। आपको बताते हैं कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम कैसे काम करता था और अब क्यों ये सिस्टम ठप पड़ रहा है। वेब पोर्टल पर ऑनलाइन ही आवेदन के साथ भवन मानचित्र अपलोड किए जाते थे। अपलोड किए नक्शों की सॉफ्टवेयर प्रारंभिक जाँच करता था। जांच में सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकार कर लिया जाता था। प्रकरण में पहले कोई राशि पहले से बकाया है तो उसका मांग पत्र वेब पोर्टल पर उपलब्ध होता था। भवन मानचित्रों की बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्क्रूटनी इंजन से बारीक जांच की जाती थी। कोई बड़ी कमी सामने आती थी तो उसे पूरा करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन बताया जाता था। प्रकरण को जोन स्तर पर भवन मानचित्र समिति स्तर पर निस्तारित किया जाता था। अनुमोदित नक्शे जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा होता था। प्रकरण किस स्तर पर लंबित है इसकी ऑनलाइन जानकारी आवेदक को रहती थी। पिछले 2 सालों में बिल्डिंग बायलॉज में करीब 1 दर्जन बदलाव किए गए। इन बदलावों के अनुसार इस सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया गया। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण स्क्रूटनी इंजन नक्शों की जांच नहीं कर पा रहा। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का ठप होना यह बताता है कि मामले में जिम्मेदार अधिकारी कितने सजग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन हालातों में प्रदेश में बन पाएगा निवेश के लिए अनुकूल माहौल। कैमरा पर्सन विनोद पुरी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।